आते तुम? अगर पिताजी को पता चल जाता कि तुम घर पर नहीं हो तो? मैं साई से मिलने गया था द्वारका में, वहाँ पे और भी बच्चे थे, वहाँ पे हम लोग ने साई के लिए आकाश कंदील भी मनाई। आप मुझसे गुस्सा नहीं है? गुस्सा क्यों, तुम तो साई का आशीर्वाद लेकर आ रहे हो, सबका ऐसा भाग्य कहा। कौन रहा होगा, इतनी लोग आजकल इस घर में आते जाते रहते हैं, कहीं केशव के पिताजी तो नहीं थे? इस बहरा किने अपना काला जादू मेरे परिवार वालों पर कर दिया। हरिओम। उठ, उठ, खड़ा हो जा। आज से, अभी से तू इस घर में नहीं रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये अहमदनगर में रहेगा, एक छात्रालय में। मैंने सब तैयारी कर ली है, चलो। लेकिन लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि इसने मेरे आदेश की अवहेलना की है। मेरे मना करने पर भी वो दोबारा जाके साई से मिला। पैर छोटा है उस ढोंगी के पैर। और तू क्या करती है? इसका विरोध करने के बजाय, इस पर क्रोधित होने के बजाय तू कहती है मेरा बेटा बड़ा भाग्यशाली है, उसे साई का आशीर्वाद मिला है। तेरे कारण बिगड़ रहा है ये, तेरे कारण। तेरे अंदर मेरे प्रति विरोध करने का एक अधूरा स्वप्न है रुक्मिणी, जो इसके द्वारा तू पूरा करना चाहती है। इसका दंड तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। जब ये तुमसे दूर रहेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते, ऐसे कैसे कर सकते? केशव को मुझसे दूर क्यों? और क्या आप रह पाएंगे इसके बिना? केशव अभी बहुत छोटा है, कैसे रहेगा वो हमारे बिना? भूल तो मुझसे हुई है ना, इससे ज़्यादा मुझे ही मिलनी चाहिए केशव को। क्यों? हरिओम। कार घोड़ा गाड़ी तैयार है, जाके बैठना उसमें। आगे से ऐसा नहीं होगा पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ। तेरे वचन का कोई मोल नहीं है मेरे लिए, समझा? से कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मेरा बेटा मुझसे बच्चे नहीं, मेरा बेटा मुझसे बच्चे नहीं। तैयार कर इसे। दादा बच्चा है केशव, घर से दूर कैसे रहेगा ना ये। जितना कहा है उतना कर। दिवाली आने वाली है, भेज नहीं है तो उसके बाद भेज। ठीक है, भेज दीजिए। लेकिन क्या मैं केशव को तैयार कर सकती हूँ? हरिओम।
ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए, ओ साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई इस रिश्ते को। विष्णु आप पर ऐसे आग जमाए हुए है जैसे आप उसके कोई दुश्मन हो। उधर कुलकर्णी सरकार ने भी उसको और उकसाया हुआ है। साई, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। मेरी अमुना कुछ बोलती नहीं, लेकिन मैं माँ हूँ उसकी, उसकी तकलीफ समझती हूँ। साई, ये रिश्ता तो आपके ही द्वारा संभव हुआ था, फिर इसमें इतनी बाधाएं क्यों? आप कहते हैं सबूरी, लेकिन दिन प्रतिदिन परिस्थिति बिगड़ती जा रही, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। परिस्थिति में सबूरी रखना कैसे संभव है साईं? सबूरी का मतलब कर्महीनता नहीं होता। कोशिश नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? कोशिश? हाँ, कोशिश। कोशिश इस मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखने की, इस विश्वास को जिंदा रखने की कि अंत में जो कुछ भी होगा भला ही होगा। तो आपका कहना यह है कि मेरी यमुना का विवाह विष्णु से ही होगा, हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलेगा, इतने सालों हमने खंडोबा की सेवा की है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने ये दुशाला क्यों ओढ़ रखा है? आज ठंड थोड़ी ज्यादा है इसलिए। इसे उतार दीजिए। बाहर जाके उस वृक्ष की छांव में खड़ी हो जाइए। बाहर? लेकिन बाहर तो ठंडी हवा चल रही है साई। जाइए। साईं ओम 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 साईं ओम
अच्छा हुआ थोड़ी धूप आ गई। धूप आई, लेकिन सूरज तो वही का वही है। केवल पृथ्वी ने करवट ली है सूरज की तरफ, ताकि लोगों को ठंड से कुछ राहत मिले। और ये वही पृथ्वी है जिस पर इंसान युगों से अपने लोभ, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाता जा रहा है। लेकिन पृथ्वी कभी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इंसान उसकी तकलीफ को समझेगा। एक दिन वो उसके साथ अच्छा करेगा। ठीक इसी तरह हर इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बगैर। जीवन का प्रत्येक दिन अगर परिणाम की कामना करते हुए बिताया तो ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। और यही तो फर्क है जिंदा रहने में और जीने में। साई, मैं सोच रहा हूं कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मैं आपके साथ यहीं द्वारका माई में रहूं। विष्णु अगर आपको गिरफ्तार करने आए भी तो मलसा पति जी, आपकी जिम्मेदारी पहले आपका घर है। मेरी चिंता मत कीजिए। अल्लाह मालिक। मैं तो आपकी थकी के बिना सो भी नहीं पाता और किसी के हाथ का खाना भी नहीं खा पाता। हरिओम, घोड़ा गाड़ी कब की बाहर प्रतीक्षा कर रही है? इतना समय क्यों लग रहा है तैयारी में? केशव के लिए कुछ पकवान बना दो। क्या चाहती है तू? कि इसी में शाम हो जाए और आज यही रुकना पड़े इसे? यही चाहती है ना तू? ऐसा नहीं है, चाह रहा है तो रास्ते के लिए कुछ बना देते। बंद करो तुम्हारा ये नाटक। चलो दादा। हता बच्चा है केशव। गले लगा सकता हूँ? जाओ। तुम जाओ केशव, हक याद रखना, मैं तुम पर हमेशा गर्व करती हूँ। जब कभी लगे तुम अकेले हो, तुम्हें डर लगे, तो राम कृष्ण हरि का जाप करना, सब ठीक हो जाएगा। राम कृष्ण हरि। चलो।
हरिओम। माँ आप कब तक यहाँ पे खड़ी रहेंगी? बीमार पड़ जाएंगी। देर क्यों हो गए रुक्मिणी बताओ? माँ को मेरे कारण देर हुई। मैं झूठ का बोला? मैंने तो विद्यालय कहा था। अब विद्यालय वो होता है जहाँ मैं शिक्षा मिलती है। आत्या मेरी माँ के बारे में ऐसा बात मत कीजिए। इनसे अच्छी माँ किसी की नहीं हो सकती। विष्णु ये लीजिए। शुक्रिया। आप अगर रात में यहीं रुकेंगे तो आपके खाने का प्रबंध करूं? नहीं, खाना तो कुलकर्णी सरकार के घर पर है। लेकिन हाँ, मैं रात को यहाँ लौटना जरूर चाहूंगा ताकि मैं नजर रख सकूं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं नहीं, परेशानी कैसी, ये जगह भी तो कुलकर्णी सरकार ने ही हमें दिलवाई है। आप जब चाहें तब आ सकते हैं यहाँ पे। माधव तुम दिन भर यहीं रहते हो, तुमने कभी जीवा को यहाँ आते हुए नहीं देखा? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे? कहो। कुलकर्णी सरकार ने मुझे यहाँ साई पर नजर रखने के लिए रखा था, उनकी सच्चाई का पता लगा सकूं। और जानते हो, जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली तो मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, पूर्ण आत्मा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इंसान के रूप में भगवान है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि साई के बारे में मैंने अपने ऊंचे अफसरों को बता दिया है। जांच शुरू हो गई है साई पर, उसकी गतिविधियों पर, उसके बीते हुए कल पर। इस समय तुम साई से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम भी जांच की चपेट में आ सकते हो। जादू टोटका करने वाले मदारी होते, भगवान नहीं। और अगर हम अपनी सोच और अपनी समझ की डोर उनके हाथों में दे देंगे तो इशारों पर नाचने वाले बंदर बन जाएंगे। मैं एक बार बेवकूफ बन चुका हूं, लेकिन दोबारा नहीं बनूंगा। अब मैं कुलकर्णी सरकार के घर चलता हूँ। वो सुबह अहमदनगर गए थे, अब तक आ गए होंगे। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। साई, 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 आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? साई, आपने ही मुझे उबारा है, अब आप ही मुंह फेर लेंगे तो मैं जीऊंगा कैसे? साई, अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे सजा दीजिए, जो मन में आए कीजिए, पर मुझसे बात कीजिए। साई, जाओ पहले ऐसी तीन चीजें लेकर आओ जिन्हें तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो कि वो तुम्हारी है। मैं अभी आता हूं।
साई, ये लीजिए। तो ये वो तीन चीजें हैं जो पूरी तरह से तुम्हारी हैं। बिल्कुल साई। था मेरे पास यही एक जोड़ी चप्पल और धान तो मैंने अपने बुरे समय के लिए बचा के रखा था। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे इन चीजों को जला दिया? लेकिन जरा ये तो बताओ, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये चीजें तुम्हारी अपनी थी? क्योंकि कुर्ता मुझे भेंट स्वरूप मिला था, चप्पल मैंने खुद खरीदी थी और धान वो तो मैंने खेतों में काम करके कमाया था। लेकिन कुर्ते के लिए कपास तो नहीं उगाया था तुमने, ना ही चरखे पे उसे काटा, ना कपड़ा बनाया और ना ही कुर्ता सिया था तुमने। और चप्पल के लिए चमड़ा किसी पशु से निकला था और धान धरती से उपजता है, इसलिए इन तीनों में से किसी पर भी तुम्हारा पूर्ण अधिकार नहीं था। लेकिन इसके लिए मैंने मूल्य तो चुकाया था ना? मूल्य तो हर कोई चुकाता है। मूल्य तो वो अमीर भी चुकाते हैं जिसका धन, जिसकी वस्तु चुरा चुरा कर तुम गरीबों में बांट देते हो। हर अमीर को चोर समझना, ये समझना कि उसके पास जो कुछ भी है वो किसी गरीब से छीना हुआ है, ये कहां तक ठीक है? दो लोग एक बराबर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का परिणाम भी बराबर हो ये तो जरूरी नहीं। अगर एक को ज्यादा मिल गया तो उस पर अपना अधिकार जताना, अपना हक जताना, ये न्याय नहीं है जीवा। मेहनत गरीब करता है तो अमीर भी करता है। अगर हर गरीब चोर नहीं होता तो हर अमीर भी चोर नहीं होता। अगर तुम एक से छीन कर दूसरे को देते रहोगे तो इससे समाज में कभी बराबरी नहीं आएगी। उद्देश्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन चोरी, चोरी पाप ही है। साई, आप सही कह रहे हैं साई, उससे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी चोरी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन साई, मैं सच कह रहा हूं, उस रात मैंने कुलकर्णी के घर से संदूक नहीं चुराया। मैं गया जरूर था चोरी करने, लेकिन उससे पहले कुलकर्णी जाग गया और मुझे वहां से भागना पड़ा। तो उस रात कुलकर्णी के घर से तुमने कुछ नहीं चुराया था? साई, मुझे तो याद भी नहीं कि अंगूठी मैंने कब रख ली। जब बाद में ये जेब से मिली अब तक बहुत देर हो चुकी थी। साई, सब लोग मुझे चोर समझने लगे थे, उस चोरी के लिए जो मैंने की ही नहीं। तो ये बात तुम्हें सबके सामने कबूल कर लेनी चाहिए थी। कौन विश्वास करता कि उस रात मैंने सिर्फ ये अंगूठी ली थी, वो भी गलती से। सब लोग मुझे संदूक का चोर समझने लगे। दूसरे के घर चोरी करने की हिम्मत है, लेकिन सबके सामने सच कबूल करने की हिम्मत नहीं।
तुम्हारी वजह से गांव के कितने निर्दोष व्यक्तियों को मार सहनी पड़ी। आप ही बताइए साई, मैं क्या करूं? मुझे एक बार और रास्ता दिखाइए। को दे दो और उससे कहो कि चोरी के सामान के लिए वो गलत जगह ढूंढ रहा है। उसकी आंखें खोलकर उपकार करो उस पर। लेकिन साई, विष्णु तो पुलिस में है, अगर मैं अपना गुनाह कबूल करूंगा तो बाकी सारे गुनाहों का आरोप मुझ पर ही लगा देगा। उसका विश्वास पाना चाहते हो तो पहले उस पर विश्वास करो। यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। बेटा रोते नहीं है, आओ बैठो बैठो बैठो, रोते नहीं है बेटी। अरे छोटी सी चोट है, तेरे बाबा अभी ठीक कर देंगे। हाँ एक अभी ठीक हो जाएगा बिटिया रानी, अभी ठीक हो जाएगा। बाबा ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। क्या हुआ यमुना? कुछ नहीं, थोड़ा हाथ जल गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मेरी बहादुर बच्ची है तू, बहादुर। ज्यादा जल रहा है। सुख दुख आने जाने हैं। बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जा, आशा के दीपक बुझने न पाए। ये उन्होंने दिया था अपनी तरक्की की खुशी में, अब इसका क्या करूं? वापस कर दो। ओम साईं, साईं, साईं। सरकार, सरकार, ये आ गया। चोर, चोर, सरकार, चोर। मैं विष्णु से मिलने आया हूँ। अरे लठे तो कहाँ मर गए सबके सब? क्या करें, पकड़ लें इसे। क्या पता कुछ छुपा के लाया हो तो कहीं हमें ही मार भर दे। तो जिसको सत्य की ढाल मिल गई हो उसे किसी लाठी का भय नहीं हो सकता। विष्णु, कुलकर्णी। हरि ओम। क्या हो रहा है?
तुम्हारे चेहरे का भय देखकर मुझे अच्छा लगना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। क्यों आया है यहाँ? सुना है विष्णु तुम्हारे घर में रहता है और तुम उसकी सहायता कर रहे हो मुझे ढूंढने में। मैं आत्मसमर्पण करने आया हूँ। अरे तो ये बात है, तू मुझसे सहायता मांगने आया है कि मैं तुम्हें विष्णु से बचाऊं और आत्मसमर्पण में तुम्हारी सहायता करूं, है कि नहीं? तुमसे सहायता मांगने के बुरे दिन ईश्वर मुझे कभी ना दिखाए। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि साई ने मुझसे कहा है। साई ने इसे आत्मसमर्पण के लिए भेजा है, लेकिन इससे तो मेरी योजना खंडित हो जाएगी, खेल समाप्त हो जाएगा। दरवाजे के पीछे खड़े रहो, मैं जीवा को अंदर लेके आता हूं। जैसे वो अंदर आएगा गोली मार देना उसको। पुलिस को मैं ये कह दूंगा कि वो मुझ पर हमला करने आया था और मेरी जान बचाने के लिए मैंने गोली चला दी। हरिओम, जाओ जल्दी। तो तुम्हें विष्णु से मिलना है, आ जाओ। विष्णु ऊपर वाले कक्ष में है, मिलवाता हूं उससे तुम्हें, आओ। क्या कर रहा है? विष्णु, मैं आत्मसमर्पण के लिए आया हूं। साई ने मुझसे कहा है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। हरिओम, अद्भुत। विष्णु देख ले साई की अद्भुत चाल, इससे आत्मसमर्पण करवा के खुद संदेह के घेरे से दूर रहना चाहता है वो, ताकि वो अपना कार्य कर सके। असामाजिक तत्वों की रक्षा करने का कार्य, समाज में अराजकता फैलाने का कार्य। साई के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं। वो संदूक कहाँ है? मैंने चोरी किया होता तो जरूर बताता। तुम उस रात तो मेरे पीछे थे ना, मुझे देखा था कोई संदूक ले जाते हुए। रात मैं बस ये लेके भागा था। मेरी अंगूठी, यही एक चीज मैं उस रात लेकर भागा था, वो भी गलती से। इस गलती की तुम जो सजा देना चाहो मैं तैयार हूं। विष्णु, ये साई की दूसरी चाल है। इसे कहा कि अंगूठे की चोरी स्वीकार कर लो ताकि अधिक दंड ना मिले और उसकी आड़ में सरकारी कोष की चोरी छुप जाए।
चिंता मत करिए कुलकर्णी सरकार, मैं जानता हूं गुनाह कबूल कैसे कराया जाता है। चल एक पेड़ की लकड़ी से ही बहुत पैसे मिल जाएंगे। वाले थे और जब इन्होंने तुम्हें इनका घर गिराने से रोका तो तुमने इन्हें भी जला देना चाहा। मुझे क्या पता कि उसी पेड़ पर इनका घर है। अभी तक कितने वृक्ष काट चुके हो? अरे इसका हिसाब कौन रखता है? मैं लकड़ा रहा हूं, लकड़ी काटना मेरा काम है। लकड़ी काटी, शर्मी सेठ को बेची, पैसे लिए और चला गया। इतने वृक्ष काटे लेकिन क्या धरती को कभी एक भी वृक्ष वापस लौटाया? क्या कभी एक भी पेड़ लगाया तुमने? अजीब हो तुम, जंगल में कोई जाता है क्या पौधा लगाने? जंगल तो होते ही काटने के लिए, और फिर अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो अपने परिवार को कैसे पालूंगा? अपने परिवार के प्रति दायित्व तो तुमने निभा दिया, लेकिन ये संसार, इस प्रकृति के प्रति तुम्हारा दायित्व, उसका कुछ नहीं। अगर धरती से केवल लेते रहोगे, कुछ लौटाओगे नहीं, तो एक न एक दिन इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसका फल मिलना तुम्हें तय है। अरे, अरे, इनके हवाले छोड़कर मुझे कहाँ जा रहे हो? बचा लो मुझे, तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। एक वृक्ष काटो तो दो वृक्ष लगाओ, अपना और अपने परिवार का भविष्य ऐसे ही सुरक्षित होगा। मैं वचन देता हूं अब से ऐसा ही करूंगा। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई गान
अपने दायित्व के मार्ग को इतना संकीर्ण मत बनाओ कि उसमें तुम्हारे अपने स्वार्थ के अलावा किसी और के लिए स्थान ही ना रहे। अपनी भूख मिटाने की दौड़ में अगर प्रकृति के संतुलन को ताक पर रखोगे तो उसका दंड तुम्हें ही नहीं आने वाले भविष्य में पूरी मानवता को भुगतना होगा। से जाएंगे एक साथ जाने का क्या फायदा अलग अलग हाँ ऐसे में हम बहुत सारे घरों में जा सकेंगे उपले बेचने के लिए और फिर सीधे द्वारका माई में मिलेंगे। मैं कैसे अकेले बेचूंगी? अरे तुम सब कर लोगी। सोचो दिवाली का सोचो, घर में दिए चाहिए है ना, नए कपड़े चाहिए है ना। चलो चलो समय नहीं है, तुम उस गली में जाओ, मैं उस तरफ जाती हूँ। जी जी। पर बहुत थक गई हूँ। पानी है? मिल गई तुझे? शिरडी में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली तू ही है। वो तो हूँ। ये देखिए मेरे मेहनत का फल। माई की दिवाली के लिए ये बस्ती में जो दिए जलाने हैं उसके तेल के लिए और ये तुम्हारे लिए कफनी खरीदने के लिए। साईयों चल दूर हो, यहाँ कहाँ चली आ रही है? निचली जाति की होके यहाँ पास आ रही है? मैं तो बस उपले। चल भाग यहाँ से। दिन भर यही करती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? ये देखिए पार्टी, जब भी मुझे समय मिलता पढ़ाई में मैं कमी नहीं छोड़ती हूँ। साई मुझे एक मदद चाहिए।
बोल। मुझे दिया बनाना तो आता है लेकिन बाती नहीं आती, तुम सिखाओ ना। तुझे दिवाली मनानी है ना, तो मैं मदद कैसे नहीं करूँगा, सिखाता हूँ तुझे। कपास को लिया, हाथ पर रखा और ऐसे इसको घुमा दिया, एक बार और, बन गई बाती। ले अब तू भी बना। हाँ, ऐसे हाथ पर रखा और ऐसे इसको घुमा दिया। बन गया। शाबाश। साई, मुझे भी बाती बनाना सिखाइए ना। केशव भी होता तो कितना अच्छा लगता ना। हाँ, मैंने सुना है वो बहुत बड़े विद्यालय गया है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा वहाँ से पढ़ के, है ना साई? लक्ष्मी, विद्यालय बड़ा है या छोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उस विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक, वो गुरु, अपने शिष्यों के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाने के लिए कितना समर्पित है, कितना धैर्यवान है, और उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो उस ज्ञान को पाने के लिए कितना उत्सुक है, कितना मेहनती है। मैंने सुना है जीवा पकड़ा गया है। उससे तुम्हें गया? नहीं, लेकिन वो संदूक नहीं मिला है ना। चोर मिल गया है, संदूक भी मिल जाएगा, जल्दी गया है। एक बात पूछूं? अरियोम, वो संदूक हमारे घर में रखा गया था ना, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही थी, लेकिन जब से चोरी हुई है मैं तब से देख रही हूँ कि आप उतने चिंतित, उतने परेशान नहीं है जितना कि आप आम तौर पे होते हैं। मैं परेशान हूं कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र अब मुझे तुमसे लेना पड़ेगा। मेरा मतलब मैं चुप बैठो। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ स्वामी, इस घर में प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है रुक्मिणी। Thank you.
सोच पाई। देखिए साई, एक नहीं बेच पाई, ऐसे हम द्वारका माई और बस्ती की दिवाली के लिए पैसे कैसे जमा कर पाएंगे? तुम्हें मैंने जो औषधि दी थी वो खाई, तब तो तुम ठीक हो रही होगी। तुम्हें कुछ फर्क लग रहा है या नहीं? विश्वास रखो, विश्वास हो तो दुनिया में सब कुछ संभव है। समर्पण के नाटक का असली कारण क्या है? क्या है तेरी योजना? बता। मेरी कोई योजना नहीं है। बेवकूफ समझता है मुझे? तू जैसे विद्रोही इतनी आसानी से खुद चलकर पुलिस के पास नहीं आते। मैंने कहा ना, मैंने अपना आत्मसमर्पण सिर्फ साई के कहने पर किया है। उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हारे सामने आकर अपना गुनाह कबूल करूं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बोल बोल साई तेरे साथ है, साई ने ही तेरे से चोरी करवाई है। बोल, वो विद्रोहियों के साथ है। अगर नहीं बोलेगा तो मैं तुझे इसी तरह मारता रहूंगा। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। इसकी हर एक खबर चाहिए, ये कहां जाता है, किससे मिलता है। पता है आज सुबह सुबह एक टोकरी उपले बेचे मैंने, अब मैं विद्यालय जा सकती हूँ। और तू अपने ऊपर विश्वास रख, कल जैसा नहीं होगा, आज तो तू उपले जरूर बेच पाएगी, डर मत, ठीक है? साई की दवाई लेती रहना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं विद्यालय के बाद मिलती हूँ। द्वारका माई और पूरी बस्ती के लिए तेल लेना है, पता नहीं और कितने सारे उपले बेचने होंगे। मुझसे कौन खरीदेगा? मैं
हकलाती हूँ। लोग मुझ पे हंसते हैं। दिन ब दिन दिवाली करीब आ रही है, लेकिन मेरे पास बहुत ही कम पैसे जमा हो पाए हैं। गुरुजी से मदद लेती हूँ कि मुझे कितने उपले बेचने पड़ेंगे। जिप्री, छुट्टी के दिन भी आ गई, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछना है? पूछो, क्या पूछना है? एक टोकरी उपला छे आना, एक कनस्तर तेल एक सिक्का, छह कनस्तर तेल, क्या ये? मुझे तेल खरीदना है, उसका हिसाब। मैं कुछ समझा नहीं। दिवाली आ रही है, मैंने सोचा है मैं दिवाली में द्वारका माई और अपने बस्ती में दिए जलाऊंगी, उसके लिए मुझे तेल खरीदना है। तेल खरीदने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए मैं तो सिर्फ उपले ही बेच सकती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे दिवाली में तेल और दिए खरीदने के लिए कितने उपले बेचने पड़ेंगे? मैंने तुम्हें गुना करना नहीं सिखाया ना, इसलिए तुम्हें हिसाब करने में परेशानी हो रही है। लेकिन जिसमें तुम जैसी लगन हो वो औरों से सबसे पहले सीखेगी। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। छिपरी, 5 कनस्तर तेल के लिए तुम्हें कम से कम 500 उपले बेचने पड़ेंगे। 500 उपले? फल ऐसा ही, मैं विष्णु की मदद करना चाहता था और उसने नहीं। जीवा, जैसे तुम भटक रहे थे वैसे ही वो भी भटक रहा है, तुम्हारी ही तरह वो भी सत्य का मार्ग खोज रहा है, बस उसकी दिशा ठीक नहीं है। धर्म की राह अधर्म की राह से हमेशा कठिन होती है, लेकिन धर्म के मार्ग की कठिनाइयों से भी हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है। साई, मुझे घाव दिख रहे हैं लेकिन इसकी पीड़ा महसूस नहीं हो रही है, बल्कि विष्णु जब मुझे मार रहा था इसका दर्द तो तभी मिट चुका था। एक वक्त के बाद ऐसा लगा कि कूड़े नहीं फूल बरस रहे हैं।
साई। हाँ साई, मैंने आपका स्मरण किया था, मैंने आपका नाम लिया था साई, और पीड़ा उसी क्षण मिट चुकी थी। साई, आपने मेरी पीड़ा हरी ना साई, बोलिए ना साई, बोलिए ना साई। अल्लाह मालिक। हम सागर तरते, घन दुख के हरते, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे।